हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। देख सकते हैं उठ गई है, इसको जैसे ही बर्थडे विश किया है उठ गई। इसको लगा कि आज ही मेरा बर्थडे है। पहले क्या होता था ना, ये सेलिब्रेट कर लेती थी कभी 30 को कभी 31 को, लेकिन अब से 31 को ही करती है, 31 जनवरी को, है ना चांदनी? सही बात है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बोलेगी। ओहो, 2 फरवरी को है पीडीएम। देख सकते हैं इसका डांस। तो इन लोग का 31 को था पीडीएम, लेकिन अब 2 फरवरी को होगा, तो काफ़ी खुश है क्योंकि उस दिन 31 को कल बर्थडे है इन लोग का, तो बर्थडे खराब हो जाता है इसलिए, है ना चांदनी? चुप रहो ना, पहले देखने रहो ना यार, हटो ना। जाओ जाओ, देखो देखो। तो यहाँ पे चल रहा है, क्या हुआ मम्मी, हो गया ना? तो मम्मी अब आज बनाएगी आलू और क्या बोलते हैं इसको, केला का सब्जी, और वहाँ है पालक और कुसुम का साग। और सुबह सुबह तो वही तो बोल रहे हैं हम भी, तो सुबह सुबह मम्मी लग गई है मस्त। और वेदर भी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा है, सब साफ सफाई हो गई है साग की। अब जा रही मम्मी धोने, एक और केला डाल दो। हम नहीं जानते हैं, तुम देख लो अपना, डालना है तब डालो। मम्मी इज कंफ्यूज। सही बात है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बनाओ। खाने में तो लिख रहा है मम्मी, खाती है मम्मी, बनाएगी यार सरसों वाला, क्या बोलते हैं उसको, सब्जी, सरसों का मसाला। और मैं जा रही हूँ ऑरेंज खाने यहाँ पे, क्योंकि ब्रश वगैरह मैं कर ली हूँ, और ये दोनों तो अभी तक ब्रश ही कर रही है, अभी उठी है तो फ़ोन ही लेके बैठी हुई है। लेट्स गो। सो यहाँ पे बन रहा है हमारा सब्जी, जो कि है आलू और केला का, देख सकते हैं। और ये सरसों वाला सब्जी है, सरसों का मसाला जो डलाते हैं मछली में, वो वाला, तो वही बन रहा है। और पहले ही मैं इसको फ्राई कर दी थी, ये क्या बोलते हैं इसको, केला को और आलू को मेथी का फ़ोरन डाल के। और अब इसमें जाएगा ये मसाला, जिसमें है लहसुन, मिर्च और क्या बोलते हैं वो सरसों, और इसमें जाएगा क्या बोलते हैं जीरा गोल की भी जाएगा हमें, जीरा गोल की, और क्या बोलते हैं नमक और हल्दी पाउडर, बस इतना ही मसाला। और मम्मी टमाटर भी डाल दी है, और अब डालेगी मसाला बिना कट किए हुए, क्योंकि फ्राई होते होते ऐसे ही मतलब गल जाता है, इसलिए डालो ना ये मसाला इसमें। हाँ आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये हल्दी, हल्दी और जीरा बोलती है। तो ये है हमारा क्या बोलते हैं सारा मसाला, और बस इसको डाल के भूनते रहना होता है, और कम आँच रहना मम्मी। और ये बिल्कुल मछली जैसा लगता है सब्जी। और आपको डालना है मतलब इसको अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ा लाल करके, जैसे मछली का मसाला फ्राई करते हैं वैसे। और अब क्या करोगी मम्मी, पानी डालो पहले, ये तो डाल दो केला, वो नहीं टूटेगा। और इसके बाद आपको डालना है इसमें केला, ताकि थोड़ा सा इसमें सारा मसाला का फ्लेवर आ जाए, और थोड़ा आपको मिक्स कर लेना है। तो ये हो चुका है हमारा, अब इसमें जाएगा पानी ग्रेवी के लिए, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा, मतलब हिसाब से ज़्यादा मत डालो फिर ये हो जाता है। तो हल्का सा पानी डाल के आपको इसको थोड़ा बॉईल कर लेना है, मतलब थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा कर लेना है। दे सकते हैं सब्जी, बहुत मतलब सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो बस इसको थोड़ा फला लेना है 2-3 मिनट आपको, ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और सारा मसाला वगैरह सारा सब्जी वगैरह अच्छे से पक जाए, अगर कुछ नहीं पका हो तो। चलो देख सकते हैं हमारा सब्जी हो चुका है, अब इसमें जाएगा लास्ट में धनिया का पत्ता, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करता है। और ये हो गया मम्मी का एकदम सिंपल सा, एकदम जल्दी से बनने वाला सब्जी। क्या मम्मी देख सकते हैं मम्मी को दीजिए, और अभी तो साग भी बनना बाकी है, तो साग भी बनेगा अच्छे से। मम्मी इसको वॉश करके काट वाट के रख दिए।
सो गाइस मम्मी काफ़ी सारा मटर लाई है, तो आज बनेगा मटर का सब्जी। देख सकते हैं काफ़ी सारा है, तो इसको मैं जा रही हूँ फिलहाल छीलने। और मटर हम लोग को अच्छा लगता है, और अभी सीज़न भी है तो ज़्यादा हम लोग ट्राई करते हैं मटर खाने का। तो इतना पहले मैं छील के देख लेती हूँ उसके बाद। और यहाँ पे भी बहुत सारा वेजिटेबल है, जैसे खीरा, और इसमें है बीम, सब ऐसे ही रखा हुआ है, सबको अरेंज करना है। इसमें मिर्ची है, इधर टमाटर लाई है मम्मी, और ये है चुकंदर, और ये है इसमें क्या बोलते हैं बैंगन। तो इसमें है बैंगन, चोखा और लिट्टी बैंगन का काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब अरेंज करना है, पहले मैं मटर छील लेती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा फिर, और शाम हो गई है तो चंदा चांदी कोचिंग गई हुई है अभी, तो इसीलिए ये सब को मैं रख देती हूँ क्योंकि ठंडा का मौसम है तो बाहर ही ठीक रहता है। फ्रिज में तो रखो या बाहर रखो बात बराबर पड़ता है, क्योंकि बाहर भी तो ठंडा है, इसी वजह से तो ठंडे में हम लोग थोड़ा बाहर ही रहते हैं रखते हैं इसको। तो ये तो मिर्ची तो मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, और काफ़ी सारा पॉली बैग हो गया है देख सकते हैं, सबको जाना है अरेंज करने। और ये सब तो फ्रूट्स है, ये सब तो मैं बाहर ही रख रही हूँ तो अच्छा हो जा रहा है, नहीं तो पहले जब मैं ख़रीदी थी तो ये थोड़ा हरा था, अब ये हो गया है क्या बोलते हैं पीला पीला सा, बाहर रखने का यही फ़ायदा है थोड़ा पक जाता है, तो वही। और ये टमाटर है, इसको भी बाहर ही रखेंगे ताकि थोड़ा पक जाए, मम्मी थोड़ा कच्चा लाती है कुछ इस तरीके का, ताकि इतना ख़त्म होते होते नहीं तो ख़राब हो जाएगा अगर पका लाएगी तो कुछ पका रहता है और कुछ कच्चा रहता है, ताकि धीरे धीरे हम लोग खाए और धीरे धीरे पकता रहे इस टाइप से। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इसको छीलने मटर, और मम्मी थोड़ा सा और मार्केट गई है बगल में ही कुछ और सामान लाना था, क्योंकि इतना सामान लाते लाते भारी हो गया था और चंदा चांदी कोचिंग चली गई थी इसीलिए। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको छील लेती हूँ। चंदा चांदी आ चुकी है, और क्या लाई, आटा लाई है, पिसलो खा लो खा लो, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, इसके अंदर फोन रख दी हो, बैग नहीं था, अरे तो नीचे रख दिया, हद है मतलब कि इन लोग आटा पिसवा के लाई है, और काफी अच्छा, क्योंकि प्रिंस भी नहीं है पापा भी नहीं है तो भारी भारी काम यही दोनों करती है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मम्मी का काफी हेल्प करती है। तुम कुछ नहीं करती, हट, हम गए नहीं तो तुम ही दोनों कर लेती हो, बहुत अच्छी बात है, चलो तुमको नहीं, तुम मेरे घर आके इतना बोझ उठाओ, अच्छा ठीक है चलो चलो। सो देख सकते हैं दोनों को क्या मांग रही हो, क्या मांग रही, थोड़ा ले लेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। सो ये गाजर का हलवा सारा खत्म कर दिया है, थोड़ा सा उधर भी है, क्या ही किया जाए, लो अब बहुत खाई हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, ये रुको ना यार, देंगे ना अभी खाने टाइम ना, देख सकते हैं दोनों पूरा खा गए हैं, गाजर को दियो, गाजर के हलवा पे ही है ये दोनों, अब देखिए दोनों का झगड़ा, नहीं मेरा देख रही हो, अच्छा ठीक है लो लो, कितना दोनों ये करती है, हो गया साग खाने में, नहीं साग देता है, रुको ना साग भी है, साग भी है, हाँ चलो जाओ जाओ, नहीं मिलेगा। सो गाइस मम्मी आ चुकी है यहाँ पे, और पैर दबा जा रहा है चांदनी, वेरी गुड, और काफ़ी ज़्यादा थक जाती है मार्केटिंग करके, तीन तीन दो दो तीन तीन और गई थी इसीलिए। क्या हुआ चांदनी, कुछ नहीं, दबा दो अच्छे से मम्मी का पैर, लाइट जला लो, और पढ़ना है ना, और देख ही सकते, देखिए मम्मी का सेवा हो रहा है, ये लड़की बिल्कुल सेवा नहीं करती है, बस चांदनी ही करती है, चलो ना दबाओ ना। तो और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चंदा चांदी का फेवरेट चीज़, जो कि है चाउमीन, वेट आई विल शो यू, कोई रिएक्शन नहीं, मतलब नहीं खाना है, चुप रहेगी, पहले बना के खिलाओ ना, अच्छा रहेगा तब ना रिएक्शन, अच्छा ठीक है रुको। सो यहाँ पे चल रहा है चाउमीन का तैयारी, जो कि मैं सब्जी वगैरह काट दी हूँ, और चाउमीन का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ तो आप देख के बना सकते हैं। सो इसको मैं अच्छे से बॉयल वॉयल करती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ बस चाउमीन को फ्राई करने। सो गाइस देख सकते हैं हमारा चाउमीन रेडी है, और चंदा चांदी जा रही है खाने, खा के बताओ कैसा बना, क्या ही दोना है।
देख सकते हैं। चलो खा के बताओ कैसा है। मिक्स करने दो ना। अरे तो खाओ ना ऊपर से साइड से जल्दी से। खाता है। और एक और बैच है अभी। चांदी तो फर्स्ट मारती है। कैसा है? तो जाओ खाओ। नमक एक बार नमक, और नमक फ्राई करना भी नहीं, नहीं नहीं नमक डालना नहीं लग रहा है। अच्छा डाल लो। तो एक और बैच रेडी हो चुका है और इन लोग पहले से ही खा के बैठी हुई है। इंतजार हो रहा है चाउमीन का। लो ये खा के बताओ कैसा है। मिक्स कर देते हैं। तो चांदी ये भी खा के बताओ कैसा है, क्योंकि हर बार फ्राई करने के बाद हल्का सा टेस्ट इधर उधर होता है। ओहो इधर खत्म कर दी और इधर है। चलो रुको रुको रुको, अच्छा हमको भी टेस्ट करने दो। तुम टेस्ट क्या, तुम खा ही लो। इतना तुम टेस्ट करोगी? अरे इसमें क्या झगड़ा करना है, इतना तो खिलाए हैं दोनों। हमेशा अच्छी चीज़ के लिए हमेशा झगड़ा करते रहेगी। हो गया चांद बना रही हो क्या? तो खा लेगी। साग दे रहे हैं तुमको चंदा। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देख सकते हैं ये सबको पूरा मतलब ये चल रहा है, इधर खाना उधर खाना। चलो खाओ।